51 જગ્યાઓ પર રેગ્યુલર યોગા કરી શકે તે માટે યોગા સેન્ટર્સ પરમનન્ટ ડેવલપ કરવાનું નક્કી કરાયું છે, તે કામગીરીને બી ઝડપથી આગળ વધારવામાં આવશે. સર હિન્દી આજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ કે શુભ અવસર પે ગુજરાત સરકાર દ્વારા गुजरात के सभी नागरिकों के साथ मिलके गुजरात में गांवों से लेके शहरों तक 1.25 करोड़ से ज़्यादा गुजरातियों ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर से जब आज ये कार्यक्रम में लाइव हुए, गुजरात के 1.25 करोड़ से ज़्यादा सभी नागरिकों ने योगा दिन के ये कार्यक्रम में जुड़ के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी आज भारत पाकिस्तान की सरहद से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम में जुड़ के उनके साथ हजारों की संख्या में गुजरातियों ने भारत पाकिस्तान सरहद से योगा किया. देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद में उनके मत क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ आज योगा अभ्यास के ये कार्यक्रम में अहमदाबाद में जुड़े. साथ ही में गुजरात सरकार के सभी मंत्री, गुजरात सरकार के सामाजिक अग्रणी, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, युवाओं से लेके बुजुर्ग, गांवों के पेड़ के नीचे से लेके शहरों के बड़ी बड़ी इमारतों तक आज बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने योगा अभ्यास में भाग लिया है. मैं सभी नागरिकों को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. तो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी पण नड़ाबेट खाते योग कार्यक्रम में पहुंचा. तेमणे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साथे योग कर्या हता अने सौने अपील पण करी हती के आजे विश्व योग दिवस छे त्यारे सौ कोईए योग करी पोताना जीवन ने स्वस्थ बनावो जोईए. हाल पत्रकारों साथेनी वातचीतमां तेमणे जणाव्युं छे के प्रधानमंत्रीनुं संबोधन पण आजे ज्यारे चाली रह्युं हतुं त्यारे गुजरात भरमांथी और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें.
पुनः इसका अभ्यास करिए, धीरे धीरे चिंत से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, शरण की मुद्रा धारण कीजिए, दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए, उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें, नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से गौरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। के लिए आप अपने मैट पर बैठे रहिए।
माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान करने के बाद हम सब उठेंगे। आप सभी उठ जाइए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हाल योग करी रहा छे, तेनी सीधी तस्वीरों आपने बतावी। अलग अलग प्रकारना योगासनों साथे अने साथे साथे 7000 जेटला जे व्यक्तिओ छे जे जम्मू कश्मीरना नागरिको छे तेओ पण तेमनी साथे योग करी रहा छे आज स्थल पर। आ तस्वीरों जो दाल लेक पासे आ कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं छे अने तेमां मोटी संख्यामां लोको आजे स्वस्थ जीवननो मंत्र शीखी रहा छे अने योग करी रहा छे। आ વખતની થીમ છે સ્વ અને સમાજ માટે યોગ, એટલે કે પોતાના માટે પણ આપણે યોગ કરવો જોઈએ જેથી આપણું જીવન સ્વસ્થ રહે, તંદુરસ્ત રહે અને જે શરીરના જે વિકારો છે, જે રોગ છે એ પણ આ યોગથી દૂર થાય છે। એટલે જ કહેવાય છે કે યોગ ભગાવે રોગ, સ્વ અને સમાજ માટે યોગ। સમાજમાં પણ આપણે આ મેસેજ આપવા જોઈએ, આપણો જે સમાજ છે, આપણે જે સમાજમાંથી આવીએ છીએ ત્યાં પણ આ મેસેજ જવો જોઈએ। જગ્યાઓ પર રેગ્યુલર યોગા કરી શકે તે માટે યોગા સેન્ટર્સ પરમનન્ટ ડેવલપ કરવાનું નક્કી કરાયું છે, તે કામગીરીને બી ઝડપથી આગળ વધારવામાં આવશે। આજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ કે શુભ અવસર પે ગુજરાત સરકાર દ્વારા गुजरात के सभी नागरिकों के साथ मिलके गुजरात में गाँव से लेके शहरों तक 1.25 करोड़ से ज़्यादा गुजरातियों ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर से जब आज ये कार्यक्रम में लाए हुए गुजरात के 1.25 करोड़ से ज़्यादा सभी नागरिकों ने योगा दिन के ये कार्यक्रम में जुड़ के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी आज भारत पाकिस्तान की सरहद से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम में जुड़ के उनके साथ हजारों की संख्या में गुजरातियों ने भारत पाकिस्तान सरहद से योगा किया। देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद में उनके मत क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ आज योगा अभ्यास के ये कार्यक्रम में अहमदाबाद में जुड़े। साथ ही में गुजरात सरकार के सभी मंत्री, गुजरात सरकार के सामाजिक अग्रणी, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, युवाओं से लेके बुजुर्ग, गाँव के पेड़ के नीचे से लेके शहरों के बड़ी बड़ी इमारतों तक आज बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने योगा अभ्यास में भाग लिया है। मैं सभी नागरिकों को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी पण नड़ाबेट खाते योग कार्यक्रम में पहुंचा। तेमणे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साथे योग कर्या हता अने सौने अपील पण करी हती के आजे विश्व योग दिवस छे त्यारे सौ कोईए योग करी पोताना जीवनने स्वस्थ बनावो जोईए। हाल पत्रकारों साथेनी वातचीतमां तेमणे जणाव्युं छे के प्रधानमंत्रीनुं संबोधन पण आजे ज्यारे चाली रह्युं हतुं त्यारे गुजरात भरमांथी 1.25 करोड़ लोको जोड़ाया। આજના વિડીયો